सो गाइस ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने सिनेमैटिक शूट ऐड किया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, छोटों को सम्मान और बड़ों को सादर प्रणाम। सो गाइस, आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह के करीब 11 बज चुके हैं। गाइस, हवा बहुत ही तेज़ी से चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। रात में भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी गाइस, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। और अभी भी हवा एकदम, बादल बहुत ही तेज है, हवा भी बहुत ही तेजी से चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। गाइस, अभी करीब 2 बज चुके हैं। तो गाइस, अभी मैं इधर टहलने आया हूँ। अभी पानी बरसने लगा था तो अभी बंद हुआ है बस, लेकिन हवा अभी भी बहुत ही तेज़ चल रही है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं बस ऐसे ही बना रहा था, लेकिन अब से मैंने थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शूट ऐड किए हैं। तो गाइस, ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने सिनेमैटिक वीडियो शूट किए हैं और इसमें ऐड करूंगा। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने सिनेमैटिक शूट ऐड किया है। तो गाइस, देखिएगा और बताइएगा कैसा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की है तो गाइस थोड़ा सही इतना अच्छा होगा भी नहीं, एडिटिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं होगी। जब करूंगा तो सिनेमैटिक शूट करने के लिए भाई अभी फर्स्ट टाइम किया है तो इतने अच्छे नहीं हुए हैं, फिर बताइएगा कैसे हैं गाइस। क्योंकि एक दो बार में शूट करने में सही से बनता भी नहीं है, या फिर एक दो लोग साथ में हो तो ज़्यादा अच्छी शूट होती है। गाइस, अभी मुझे ना ही सिनेमैटिक वीडियो शूट करना आता है और ना ही उसको एडिट करना आता है। तो गाइस, मैंने आज सुबह ही 2-3 वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, जो कि बता रहे थे, अच्छे से बताया है, बट यार याद ही नहीं रहता, हाथ एकदम हिल जाता है शूट करते टाइम। तो गाइस, शूट करके देखा है गाइस, अगर अच्छी बनी तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी आप लोग देख सकते हैं, हवा बहुत ही तेज़ी से चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। कल से गाइस पानी बरस रहा था, इसीलिए लाइट भी नहीं आई थी, केवल अभी थोड़ी देर आई थी और फिर से हवा तेज़ चलने लगी है तो फिर से चली गई है। आज मैं अपने स्कूल नहीं आया था, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी और कर पार्टी वार्टी करके गाइस मेरे हाथ पर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे थे, इसीलिए मैं नहीं गया हूँ। आज अगर बारिश नहीं हुई तो कोचिंग खुली गई, वहाँ जाएंगे गाइस, देखते हैं, अगर बारिश होने लगी तो फिर छुट्टी हो जाएगी, बारिश ना हो तो गाइस अच्छा ही है। धूप 3-4 दिन से धूप तो निकली ही नहीं, एकदम ऐसा ही मौसम रहता है। गाइस, अभी करीब 3:30 बज चुके हैं, अभी फिर से बारिश चालू हो चुकी है गाइस, रोज़ इतने ही टाइम बारिश होने लगती है। अभी मैं कोचिंग के लिए तैयार हो चुका था लेकिन फिर से बारिश होने लगी, लगता आज भी नहीं जा पाऊँगा गाइस, बहुत ही तेज़ी से इस पानी बादल उठा है, पानी भी गिरने लगा है धीरे धीरे। अभी मैं चोकर की दुकान पर आ चुका हूँ गाइस, देख सकते हैं मेरे पीछे है दुकान, यहीं से मैं अपना चोकर लेके जाता हूँ भैंसों के लिए। अभी लेते हैं जल्दी से, यहाँ से निकलते हैं वरना बारिश दोबारा होने लगेगी, अभी थोड़ा बंद हुई है गाइस। अभी मैं चोकर लेके निकल चुका हूँ, जल्दी से चलते हैं वरना मेरा चोकर भीग भी जाएगा। गाइस, अभी मैं चोकर लेके घर पहुँचाया हूँ गाइस, भीग गया था रास्ते में, बच गया वरना चोकर भी मेरा भीग गया था पूरा। जब वहाँ से निकला तो बारिश चालू हो गई थी धीरे धीरे, अब फिर बंद हो गई है। तो गाइस, शाम के करीब 6:30 बज चुके हैं, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, अभी थोड़ा पानी बंद हुआ है, बादल अभी भी हैं, शायद रात में बरसे। तो गाइस, मेरे सारे सिनेमैटिक शूट हो गए हैं वीडियो,
तो गाइस ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैंने सिनेमेटिक वीडियोस यूज़ किए हैं। तो गाइस आप लोग देख के बताइएगा अच्छी हैं कि नहीं, क्योंकि गाइस मैंने कई यूट्यूब चैनल देखे हैं, बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी सिनेमेटिक शूट को अपने वीडियो में यूज करते हैं। तो गाइस मुझे भी लगा कि मुझे भी यूज करना चाहिए, तो वो गाइस मैंने भी इस वीडियो में किए हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।